जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जल्द ही एडीओ की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। एडीओ का फुल फॉर्म होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी। साथ ही छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती यानी कि मेंस की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो पर, लास्ट तक कहीं जाइएगा मत। आज हम ग्राम पंचायत से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो कि पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। आज हम बात करने वाले हैं कि पंचायती राज व्यवस्था 1993 यानी कि 73वां संविधान संशोधन से देखेंगे। आज का पहला क्लास है, ठीक है, पार्ट वन वीडियो है जो कि आपके डेली क्लास लेकर आए हैं। रात 8:30 से 9:30 के बीच डेली रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जा रही है। ठीक है, अगर आप लोग अन्य वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं जैसे छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर भर्ती, पीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो पर डेली बने रहिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कि पंचायती राज व्यवस्था यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको मैं हिंट कर दूंगा वहां पर। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि 73वां संविधान संशोधन से है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर में लेकर आया हूँ पंचायती राज व्यवस्था से, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद हम बलवंत राय मेहता समिति से क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था आपका 73वां संविधान संशोधन से लिया गया है। जो आपका पंचायती राज व्यवस्था होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है आपको दो भागों में बांटा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है आपका 73वां संविधान संशोधन से लिया गया है। कॉपी में नोट करते चलिएगा जो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है, साथ में कॉपी रख लीजिएगा। ठीक है, जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल लाइक करते हुए चले गए। ये निशुल्क क्लास लेकर आया हूं, डेमो के तौर पर मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं जो 73वां संविधान संशोधन होता है आपका पंचायती राज व्यवस्था से लिया जाता है, जबकि जो नगरीय निकाय होता है यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित होता है वो आपका 74वां संविधान संशोधन से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं तो जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का आपका 73वां संविधान संशोधन देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से। तो सबसे पहले देखिएगा जो 73वां संविधान संशोधन होता है लोकसभा में कब पारित किया गया था, तो ध्यान से समझिएगा लोक पारित में कब किया गया था, लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को। ठीक है, कब पारित किया गया था लोकसभा में आपका 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, पारित किया गया था, जबकि राज्यसभा में कब पारित किया गया था आपका 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित किया गया था, जबकि राष्ट्रपति का जो अनुमोदन है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो अनुमोदित किया गया था, ठीक है, ये आपका 20 अप्रैल 1993 को, कब नोट कर लीजिएगा, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित की गई थी 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, लागू कब किया गया था, तो आप बताइएगा कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, और सबसे मुख्य बात यह है कि हर साल यानी प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को सर्वप्रथम पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो देखिए कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ यानी कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस में आपको बताऊंगा कि कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ था, ये सब मैं बिल्कुल डिटेल के साथ आपको मैं बेसिक तौर पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या मैं जो बातें बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए एडीओ का जो फुल फॉर्म है आपको बताया था सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था 30 अंकों का 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं एडीओ का बिल्कुल सिलेबस के तौर पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डेली क्लासेस करवा रहा हूँ 2 महीने की रणनीति के साथ। ठीक है, कितने महीने, 2 महीने की रणनीति के साथ, बिल्कुल क्लासेस फ्री रहेगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वीडियो को बिल्कुल लाइक करते हुए चलिएगा। देखिए तो सबसे पहले हम बात करें जो संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है,
जो आपको प्रावधान दिया गया है भागनाओं, ठीक है, भागनाओं अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो 243 क से लेकर 243 र तक, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 243 कौन सा है, पंचायती राज वर्ष का 73वां संविधान जो संवैधानिक प्रावधान दिया गया है भागनाओं में। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर से लिया गया है, तो आप बताएंगे पंचायती राज जो व्यवस्था है 243 ए से स्टार्टिंग होकर 243 ओ तक। जबकि ये आपका अगर नगरी निकाय के बारे में पूछा जाए तो नगरी निकाय का होता है 74वां संविधान संशोधन 243 ओ से लेकर 243 जेड तक, ठीक है। अगर नगरी निकाय के बारे में पूछा जाए, ठीक है, अगर नगरीय निकाय के बारे में पूछा जाए तो 243 ओ से लेकर 243 जेड तक, ठीक है, 243 जेड तक ये आपका नगरी निकाय के लिए संबंधित है 74वां संविधान संशोधन से संबंधित, ठीक है, जो आपको मैं कल इस पार्ट टू वीडियो में आपको बताऊंगा नगरी निकाय से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो साथ ही 11वीं अनुसूची तथा 29 विषय जोड़े गए हैं। कितने अनुसूची जोड़े गए हैं, 11वीं अनुसूची तथा 29 विषय, यानी कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें कितने विषय है, 29 विषय, नोट कीजिएगा इसको, इस पॉइंट को नोट करें, 29 विषय जोड़ा गया है, ठीक है। अब बात करें जो, ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया, यहां तक आपका क्लियर हो गया, जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल ब्लैक बोर्ड में बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो आपका साथ ही 11वीं अनुसूची और 29वीं विषय पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो संख्या है पंचायती राज व्यवस्था का, तो ग्राम पंचायत में आप बताइएगा कि यहाँ पर 11,664, ठीक है। उसी प्रकार जनपद पंचायत में 146 है, कितना है 146, ठीक है, नोट कीजिएगा। जिला पंचायत की बात करें तो 27, ठीक है, कितने हैं जिला पंचायत आपका 27 है, जबकि गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद आपका कितना हो जाएगा 28 जिला हो जाएगा, ठीक है। अगर गौरेला पेंड्रा मरवाही बन गया है तो अब कितने जिला हो जाएगी, 28 जिला हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कितने 11वीं अनुसूची और 29 विषय जोड़ा गया है पंचायती राज व्यवस्था में, जबकि छत्तीसगढ़ में जो संख्या है कितनी है, तो आप बताएंगे ग्राम पंचायत में 11,664। उसी प्रकार जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत आपका 146 है और जिला पंचायत आपका 27 है, ठीक है। गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद आपका 28 जिला हो जाएगा। अब बात करते हैं पंचायत के चुनाव में जो उम्मीदवार होता है, ठीक है, पंचायत के जो चुनाव में उम्मीदवार होता है उसकी जमानत राशि कितनी है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर। तो देखिए जो पंचायत चुनाव होता है आपका 73वां संविधान संशोधन, उसमें जो उम्मीदवार की जो जमानत राशि होती है, तो सबसे पहले पद के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पद है पंच, उसके बाद सरपंच, तीसरा जनपद पंचायत और चौथा है जिला पंचायत। इसमें जो उम्मीदवार होता है उसकी जमानत राशि होता है उसको देखेंगे, जो देखिए सबसे पहले अनारक्षित देखेंगे, उसके बाद आपका आरक्षित देखेंगे। अनारक्षित का मतलब होता है सामान्य वर्ग, और आरक्षित में एसटी एससी ओबीसी आ जाता है, ठीक है। तो देखिए जो पंच होता है, पंच का जो अनारक्षित होता है 50 रुपये लिया जाता है, ठीक है, जमानत राशि कितना लिया जाता है 50 रुपये अनारक्षित के लिए, जबकि सरपंच के लिए आपका 1,000 रुपये लिया जाता है अनारक्षित के लिए, जनपद पंचायत में आपका 2,000 रुपये लिया जाता है, ठीक है, कितना लिया जाता है 2,000 रुपये जनपद पंचायत के लिए लिया जाता है, जबकि आपका यहाँ पर हो जाएगा जिला पंचायत, ठीक है, जो जिला पंचायत होता है आपका 4,000 रुपया लिया जाता है जमानत राशि पंचायत चुनाव के जो उम्मीदवार होता है उसके लिए, ठीक है, अनारक्षित वर्ग के लिए। जबकि यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग दिया गया है जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए 25 रुपये लिया जाता है पंच के लिए, जबकि सरपंच के लिए आपको 500 रुपये लिया जाता है, जनपद पंचायत के लिए आपका 1,000 रुपये लिया जाता है और जिला पंचायत के लिए आपका 2,000 रुपये लिया जाता है, यानी कि इसके में बिल्कुल डिफरेंट अंतर है इन दोनों में 50%, ठीक है, 50% यानी कि 50-50, यानी कि जैसे कि इसका 25 रुपये है आरक्षित के लिए तो इसका अनारक्षित के लिए 50 रुपये हो जाएगा, यानी कि इसका जस्ट डबल,
ठीक है, ये आपका उम्मीदवार की जमानत राशि के बारे में बात करें। ठीक है, आप देखेंगे जो समिति के बारे में, वहां से आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति, बहुत सारे जो समिति है वहां से हम क्वेश्चन देखेंगे। और आप सभी बिल्कुल डेली बने रहिएगा, रात 8:30 से 9:30 के बीच ये जो क्लासेस है चलती है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पार्ट वन वीडियो है, डेली क्लास लेकर आया हूँ, बिल्कुल बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किए थे, जो आपका 73वां संविधान संशोधन से लिया गया है, कब लागू किया गया, तो मैं आपको बताया था 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू किया गया था। ठीक है, और पारित कब किया गया था, तो लोकसभा में आपका 22 दिसंबर 1992 को और राज्यसभा में आपका 23 दिसंबर 1992 को। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कब किया गया था, तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। जो बलवंत राय मेहता समिति है 1957, तो ध्यान से समझिएगा, आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर पूछा जाता है। जो बलवंत राय मेहता समिति है, आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, मैं आपके लिए मैं परिभाषा के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता समिति है, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने तथा ग्रामीण विकास क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उस योजनाओं को बढ़ाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोक शास्त्र होता है। ठीक है, यानी कि जो बलवंत राय मेहता समिति है, उस पर आपका जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो समीक्षा करने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, यानी उसकी योजनाओं को प्रबल करने के लिए, इस बलवंत राय मेहता समिति 1957 से जो प्रभावी किया गया है वो आप ध्यान से सुनिएगा। साथ ही जो सिफारिश है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 को स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया, पंचायती राज व्यवस्था में बलवंत राय मेहता समिति ने यहाँ पर त्रिस्तरीय, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि लोक केंद्र, यानी कि लोकतांत्रिक, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है उसमें 3 खंड में बांटा गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, ये आपका ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होता है, उसी प्रकार खंड स्तर पर जनपद पंचायत, उसी प्रकार जिला पर जिला पंचायत। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें जो सिफारिश, तो सिफारिश आपका राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 को स्वीकार किया है बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अनुसार। साथ ही जो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू किया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज व्यवस्था है आपका 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है, लेकिन देखिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिला में, ठीक है, राजस्थान राज्य के नागौर जिला में सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था, पहला बात याद रखिए। दूसरा बात आपका है कि 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में राज्य लागू किया गया। ठीक है, सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज दिवस कब लागू हुआ, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले आपका 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान राज्य के नागौर जिला में। ठीक है, साथ ही 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश, यानी कि दूसरा राज्य, सबसे पहला राज्य कौन सा होगा, राजस्थान, और सबसे दूसरा राज्य होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपका बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अनुसार आपको मैं डिटेल बता दिया हूँ। उसके बाद हम कल देखेंगे अशोक मेहता समिति अशोक मेहता समिति ये आपका 1970 है, जो आपका अशोक मेहता समिति है, वहां से आपके 1 से 2 नंबर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हम देखेंगे, आज के लिए इतना है।